आज ये डेल 3542 लैपटॉप आया है। ये AMD वाला लैपटॉप है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जब चलता है तो लगातार ये 5 बीप दे रहा है। जो कस्टमर आज बताया कि विंडो वगैरह भी चलती रहती है और ये 5 बीप कंटिन्यू देता रहता है। कभी इसकी बीप की आवाज़ स्लो हो जाती है, अदरवाइज़ बीप देता रहता है। तो हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं। इसको हमने ये ऑन किया, ठीक है, ऑन हो गया है। ये बीप की आवाज़ आ रही है। ये लगातार बीप की आवाज़ है इसमें। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और ये बीप की आवाज़ क्यों है, आखिरकार कहाँ प्रॉब्लम है। इसे हम खोलते हैं, ठीक है। इसे हम बंद करते हैं और इसके बाद इसे खोलते हैं। तो इसे हम खोलते हैं और देखते हैं। इसमें खोल लिया हमने ये और इसको हटाते हैं। इसके बाद एक बार ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। बीप की आवाज़ अब भी आ रही है इसमें। सबसे पहले तो ये 5 बीप हैं इसमें और ये 5 बीप जो होती हैं वो सीमॉस वगैरह की होती हैं। तो इसे एक बार फिर सप्लाई हटाता हूँ और सप्लाई हटाने के बाद सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करते हैं क्या बोल्ट आ रहे हैं। तो इस पे जो बोल्ट आ रहे हैं वो राउंड रखा, ओहो, इसके बोल्ट नहीं आ रहे हैं। सीमॉस जो है वो बैटरी ख़राब हो चुकी है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, सीमॉस बैटरी। इसे हम निकालते हैं और निकालने के बाद एक बार और देखते हैं इसको। ये लगाया और ये लगाया और ये बोल्ट नहीं दे रहा है, बोल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बैटरी चेंज करते हैं, सेल बैटरी। हाँ ये ठीक है, 3.2 वोल्ट आ रहे हैं। इसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी, ठीक है जी। एक बार और ऐसे चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। अब हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद ओके ओके ये 5 बीट चली गई हैं, अब नहीं आ रही हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो आपके सीमॉस, इसकी प्रॉब्लम थी। ये लैपटॉप रखा रहा होगा कुछ अरसे तक जिसके कारण बैटरी इसकी ख़राब हो गई है और हमने चेंज कर दिया और बीप की आवाज़ ख़त्म हो गई, लैपटॉप ओके हो गया है और ये देख लें चल भी रहा है, ठीक है ओके। इसे बंद करता हूँ। देख लें, ऐसे भी देख लें, ठीक है। ये सीमॉस सेल बैटरी, सीमॉस
नए डाल दी है और ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी इंशाल्लाह डालेंगे।